లేకపోతే బీహార్లో అటువంటి రిజల్ట్ వచ్చింది. రాహుల్ రాహుల్ గాంధీ గారు सबसे पहले मैं महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को बधाई देना चाहता हूं. नीतीश जी, लालू जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नीतीश जी और लालू जी के कार्यकर्ता, ये एक प्रकार से सच्चाई की जीत है, भाईचारे की जीत है. गुस्से के ऊपर, बंटवारे के ऊपर, घमंड के ऊपर, क्रोध के ऊपर ये एक बहुत बड़ी जीत हमने हासिल की है. मोदी जी के लिए एक मैसेज है और ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है और उनको ये मैसेज अच्छी तरह सुन लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए. वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश उनसे कह रहा है कि इस देश को नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी और आरएसएस बांट नहीं सकते हैं. हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर चुनाव नहीं जीत सकते हैं. और इनको हम दिखाएंगे, आने वाले समय में दिखाएंगे कि ये देश किसी एक जात का, किसी एक धर्म का नहीं है, ये देश सबका है. और इस देश में हर एक व्यक्ति को जगह मिलनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, प्यार होना चाहिए. जो एरोगेंस बीजेपी में घुस गई है, जो एरोगेंस नरेंद्र मोदी जी में घुस गई है, मैं चाहता हूं कि वो इस एरोगेंस को थोड़ा हटाएं, थोड़ा कम करें. वो देश के प्रधानमंत्री हैं और इसको और इससे देश का फायदा होगा और उनका भी फायदा होगा. जिस प्रकार से बीजेपी ने चुनाव लड़ा, जो चीजें उन्होंने कही, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो उनको शोभा नहीं देता है और हमारे देश को शोभा नहीं देता है. ये मैसेज बहुत स्पष्ट है, क्लियर है कि इस देश में भाईचारे की जरूरत है, प्यार की जरूरत है और विकास की जरूरत है. नीतीश जी को हमारा पूरा समर्थन है. हमने चुनाव में कहा था कि नीतीश जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे. हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है, मैं चाहता हूं, कांग्रेस प्रेसिडेंट चाहती है कि बिहार में विकास हो, और नीतीश जी ने दिखाया है कि वो विकास ला सकते हैं. हम उनका पूरा समर्थन करेंगे. अंत में मैं फिर से नीतीश जी, लालू जी और सब कांग्रेस नेताओं को बधाई देना चाहता हूं, आप सबको भी बधाई देना चाहता हूं. धन्यवाद. अच्छा, अच्छा एक बात बताइए, एक बात मुझे बताइए आज. हाँ, सरकार में आप शामिल होंगे, आपने कहा समर्थन. ये भैया, ये हमारे इंटरनल डिस्कशंस हैं, ये हमारी इंटरनल स्ट्रेटजी है, ये हमारे पार्टनर के साथ बातचीत होगी. ये हम ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में हम नहीं कह सकते. एक एक करके पूछ रहे हो. बिहार में जैसा गठबंधन आपने दूसरी पार्टियों के साथ किया, आने वाले वर्षों में दूसरे राज्यों खासकर यूपी में इस तरह के गठबंधन करेंगे आप लोग दूसरी पार्टियों के साथ? ये कहा जाता था आप कोलिशन पॉलिटिक्स के शुरू में खिलाफ थे, हर जगह चाहते थे कांग्रेस खुद अपने पैर पकड़ी हो. क्या अब बिहार के प्रयोग के बाद देश के अन्य राज्यों में भी आप चाहते? पहले इनका मैं जवाब दे देता हूं. आप एनडीए की बात कर रहे हैं, बट सच्चाई ये है कि ये एनडीए के खिलाफ जीत नहीं है, ये आरएसएस और बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा के खिलाफ, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने के खिलाफ एक मैसेज है. ये देश सबका है. बिहार ने नरेंद्र मोदी जी को कहा है, हमारे जो पुरस्कार वापस कर रहे हैं, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं, वो कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है और पूरा देश का युवा कह रहा है. आप देश के प्रधानमंत्री बने हैं, अब आप वायदे बंद कीजिए, भाषणबाजी बंद कीजिए, कैंपेनिंग बंद कीजिए और काम शुरू कीजिए. क्योंकि हिंदुस्तान एक साल रुक गया है, ठहर गया है आपके लिए. आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गाड़ी को स्टार्ट कीजिए और एक्सेलरेटर दबाइए. बिहार में आपकी
क्योंकि अगर आपने गाड़ी का एक्सेलेरेटर नहीं दबाया तो हिंदुस्तान की जनता ने जो बिहार में किया है, गाड़ी का दरवाजा खोलेगी, आपको उठा के बाहर फेंक देगी। और एक और मेरा मोदी जी के लिए सुझाव है, आखिरी सुझाव है, देखिए आप इंग्लैंड जाते हैं, आप अमेरिका जाते हैं, आप चीन जाते हैं, आप पाकिस्तान की बात करते हैं, आप दौरा बंद कीजिए, आगे पीछे घूमना बंद कीजिए, थोड़ा किसानों के बीच में जाइए, थोड़े मजदूरों के बीच में जाइए, थोड़े उन युवाओं के बीच में जाइए जिनको आपने रोजगार के वायदे किए थे, उनसे गले मिलिए और इस देश को चलाइए। धन्यवाद।